पूछ लीजिए, लेकिन क्योंकि कुछ समाचार पत्रों में जिस तरीके से समाचार का संकलन हो रहा है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पूरी बात मेरी जो है या विभाग की बात जो है वो पूरे तरीके से समाचार पत्रों में नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सारी चीज़ों का एक एक करके बिंदुवार आपको बताना चाहता हूँ। विभागीय संकल्प संख्या 54/7 दिनांक 1/5/2021 के आलोक में कोरोना वायरस के रोकथाम एवं चिकित्सा कार्यों में सम्मिलित चिकित्सक कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों संविदा सहित को 1 माह का मूल वेतन मानदेय दिए जाने का सरकार ने निर्णय, अनुलग्नक 1। ठीक है, जरा अनुलग्नक 1 देखेंगे। इसमें हमने हाइलाइटर से हाईलाइट भी किया है, नोवल कोरोना वायरस COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण के COVID-19 कंटेंट में कोविड अस्पताल, कोविड वार्ड में कार्यरत कार्यालय, कंट्रोल रूम, कोविड से संबंधित कार्य एवं प्रतिनियुक्त चिकित्सा कर्मियों तथा चिकित्सकों को 1 माह के मूल वेतन मानदेय के समतुल प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के संबंध में। ठीक है, ये उसमें कंडिका 3 में दिया है कि उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में COVID-19 में लगे राज्य सरकार के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों संविदा सहित NHM के अधीन कार्यरत चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल और कर्तव्य निर्वाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें 1 माह अप्रैल 2020 के मूल वेतन मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। कंडिका इसमें जो पहली हमारी ये है, इसमें कंडिका 3 में और 1 में हमने स्पष्ट किया है। ठीक है, दूसरा है कि उक्त के आलोक में विभागीय संचिका 1 स्वास्थ्य 1/12/21 से स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मियों को प्रोत्साहन राशि भुगतान करने हेतु संचिका मेरे समक्ष दिनांक 14/2/22 को भेजी गई थी, 14/2/22 को मेरे पास भेजी गई थी। ठीक है, और इस बात को माननीय आदरणीय सरजू राय जी ने गौन कर दिया, इस बात को छुपा दिया। मैंने उस संचिका में, इन्होंने कब भेजा है, इन्होंने मुख्यमंत्री जी को 13/4/22 को दिया, और मैंने कब ये किया है 16/2 को। इसका मतलब है इनसे 2 महीना के करीब 3 दिन कम, मतलब 57 दिन 58 दिन पहले मैंने संचिका में क्या लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको आदरणीय हमारे राय जी ने नहीं व्यक्त किया। मैंने उस संचिका जब मेरे पास आई थी, मैंने उसमें लिखा था निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 54/7 दिनांक 1/5/2021 कंडिका 3 में उल्लेखित स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों को किस प्रकार से परिभाषित किया है। मैंने पूछा था 2 महीना पहले इनसे, इनके क्वेश्चन करने के 2 महीना पहले मैंने पूछा है कि किस प्रकार परिभाषित किया है, विभाग से पूछा। उक्त श्रेणी में विभाग के कौन लोग पदधारक लाभान्वित होंगे जिनके द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चिकित्सा में अपने कर्तव्य का समायक निर्वाह किया गया है, स्पष्ट करें। मतलब 2 महीना पहले उनसे सवाल उठाने के, इनसे 2 महीना पहले मैंने पूछा था विभाग को कि आप कैसे परिभाषित कर रहे हैं कि कौन लोग इसमें जो है इसके हकदार होंगे, हमको थोड़ा स्पष्ट करके मंतव्य के साथ भेजें। इसके बाद फिर विभाग ने हमको 3 नंबर देखिए आप, दिनांक 16/2/22 को उक्त विभागीय प्रस्ताव अनुमोदन नहीं किया और मेरे द्वारा यह प्रेक्षा की गई स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों को अनुशंसा में किस प्रकार परिभाषित किया है और उक्त श्रेणी में कौन लोग हैं पदधारक लाभार्थी होंगे। ठीक है, ये मैंने उनको भेजा था। अब 3 नंबर में विभागीय संयुक्त सचिव के द्वारा दिनांक 23/2
2022 को पत्र भेजकर यह संसूचित किया गया कि विभागीय संकल्प संख्या 54/7 दिनांक 1/5/21 के कंडिका 3 के स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों में मंत्री एवं उनके स्थापना के अधीन कार्यरत कर्मी भी शामिल हैं। तदनुसार कोषांग के अंतर्गत सभी कार्यरत पदाधिकारियों कर्मियों की सूची की मांग की गई। ये अनुलग्नक 3 में देखिए आप, मेरे प्रेक्षा पर उनका जो जवाब आया है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा, बाद बाकी सारा चीज़ आपके पास है।